हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे होम साइंस का एक सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक फूड प्रोसेसिंग यूडीसी नेट के लिए और इस टॉपिक की है क्लास फाइव तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम पढ़ेंगे फॉलिक एसिड के बारे में फॉलिक एसिड क्या होता है फॉलिक कि एसिड की जो दवाइयाँ होती हैं वो येलो कलर की होती हैं उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा जब आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तब कहा जाता है कि फॉलिक एसिड की जो गोलियाँ होती हैं वो खा लो तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग ब्लड एंड बिल्डिंग सेल्स जो फॉलिक एसिड होता है ये हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है और सेल्स को बिल्ड करने के लिए भी अच्छा होता है इम्पॉर्टेंट होता है और इसको हम फॉलेट ऑफ फॉलिकिन भी बोलते हैं जो फॉलिक एसिड है वो फाउंड होता है बहुत सारे फूड ग्रुप्स में इन द फूड गाइड पिरामिड जो फूड गाइड पिरामिड होता है उसके बहुत सारे फूड ग्रुप्स में फॉलिक एसिड पाया जाता है प्लांट फूड्स जैसे कि लीफी ग्रीन्स ब्रोकली कॉर्न एंड होल ग्रीनस बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं फॉलिकिन के काउपीज पीज लेंटल्स किडनी एंड नेवी बीन्स आर गुड सोर्सेज टू ये भी बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं कुछ मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि एग्स लिवर नट्स चीज़ मिल्क ये भी बहुत अच्छे होते हैं विटामिनस के लिए एंड ऑल्सो वेस्ट टू गेट विटामस मतलब इनमें फॉलिक एसिड भी होता है इससे हमें फॉलिक एसिड भी मिलता है मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट से और इनसे हमें विटामिनस भी मिलते हैं द नीड फॉर फॉलिक एसिड इंक्रीज हो जाती है प्रेग्नेंसी के टाइम पर फॉलिक एसिड की जो ज़रूरत होती है मात्रा में वो बढ़ जाती है क्योंकि जो फीटस होता है वो ग्रो कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली अगर एक प्रेगनेंट वुमेन को फॉलिक एसिड नहीं मिल पाता है एक्यूरेट अमाउंट में तो शी एंड हर बेबी नीड अर्ली इन हर प्रेगनेंसी जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में चाहिए होता है तो फीटस विल नॉट डेवलप प्रॉपर्ली फॉलिक एसिड प्रॉपर अमाउंट में अर्ली प्रेगनेंसी में जब एक वुमेन को नहीं मिल पाता है तो जो फीटस होता है वो अच्छे से प्रॉपर्ली डेवलप नहीं कर पाता है दीज बेबीज मे बिकम डिफॉर्म्ड इनमें डिफॉर्मिटीज़ होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं डिसेबिलिटीज होती हैं सप्लीमेंट्स जो होते हैं फॉलिक एसिड के वो यूजली प्रेगनेंट वुमेन को दिए जाते हैं एंड वुमेन एंड वमेन्स जो यूज़ करती हैं औरल कॉन्ट्रासेप्टिवस को उनको भी एक्स्ट्रा फॉलेज चाहिए होता है अब बात करते हैं आयरन की तो ये एक मिनरल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स का इट इज़ नीडेड टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू आवर सेल्स मसल्स एंड ऑर्गन्स ये बहुत ज़रूरी होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारे लंग्स से हमारे सेल्स तक मसल्स तक एंड ऑर्गन्स तक इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ आयरन अगर हमें अच्छे से आयरन एक्यूरेट या प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता है तो इनफ ऑक्सीजन भी डिलीवर नहीं हो पाती है हमारे मसल सेल्स एंड ऑर्गन्स तक विदाउट इनअ ऑक्सीजन जब हमारे पास इनअफ ऑक्सीजन ही नहीं होती है जो हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं ऑर्गन होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं एंड हम बहुत जल्दी थक जाते हैं और वीक महसूस करने लगते हैं वुमेन आर एट रिस्क ऑफ बिंग आयरन डेफिशियट वुमेन में ये बहुत रिस्क होता है कि उनमें आयरन की कमी नॉर्मली पाई जाती है क्योंकि उनका जो ब्लड है वो लूज होता है दे लूज़ ब्लड एंड आयरन डेफिशियट भी वो होते हैं क्योंकि वो लूज़ करते हैं अपने ब्लड को ड्यूरिंग मैंसरेशन साइकिल आयरन गोभी एंड को भी ब्रेस्ट फीडिंग और जो प्रेगनेंसी है वो भी इंक्रीज कर देती है वुमेन के नीड गो फॉर आयरन वी गेट अ लिटिल बिट ऑफ आयरन फ्रॉम अ लॉट ऑफ फूड्स हमें थोड़ा थोड़ा आयरन जो है वो काफ़ी सारे फूड से मिलता रहता है द आयरन दैट वी गेट फ्रॉम मीट जो मीट पोल्ट्री फिश से हमें आयरन मिलता है वो ईजिली हमारी बॉडी के अंदर यूज होता है एंड एग्स बीफ पॉक चिकन टर्की क्लैम्स एंड ओरिस्टर्स आर ऑल्सो गुड सोर्सेज होते हैं ये आयरन के प्लांट फूड्स जैसे कि सोयाबीन्स लेंटल्स किडनी बीन्स, पिनच एंड लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स फ्लोर कंटेन करते हैं आयरन को बट इट मे नॉट बी एब्जॉर्ब एज वेल एज द आयरन फाउंड इन मीट ये अच्छे से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है जैसे कि मीट का जो आयरन होता है उसको करती है आयरन फ्रॉम दिस फूड इज़ बेटर एब्जॉर्ब्ड वेन इट इज़ ईटन विद द फूड रिच इन विटामिन सी ये जो सारा खाना होता है जो प्लांट फूड होता है जब हम उसको लेते हैं खाते हैं तो आयरन हमें नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी के द्वारा लेकिन जब हम खाने के अंदर विटामिन सी भी आयरन के साथ लेते हैं तो आयरन हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है इट इज़ बेस्ट टू गेट द आयरन वी नीड फ्रॉम मेनी डिफरेंट फूड से हम ले सकते हैं इन मील्स एंड स्नैक्स नाइसिन की बात करते हैं जिसको नियासिन भी बोलते हैं तो ये ग्रुप होता है विटामिन का जिसको बी विटामस कहा जाता है तो जो नियासिन है वो वर्क करता है दूसरे बी विटामिन के साथ हमारी बॉडी को मदद करने के लिए कि हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी को यूज़ कर पाए जो भी उस खाने से हमें मिलती है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये हमें मदद करता है प्रोटीन को यूज़ करने के लिए हमारी डाइट से जो हमें मिलती है ताकि जो प्रोटीन है वो हमारे सेल्स को नई सेल्स को बिल्ड कर सके हमारे बॉडी के अंदर नए टिश्यूज़ को बिल्ड कर सके मोस्ट काइंड ऑफ मीट जो है पोल्ट्री है फ़िश है वो बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं नियसिन के एंड एनरिस्ड ग्रेन्स जैसे कि ब्रेड्स राइस पास्ता सीरियल्स एंड दूसरे बेक जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेक प्रोडक्ट्स वो भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं नियासिन के एंड लाइक अदर बी विटामिन नियासिन ईजली लॉस्ट हो जाता है वैन फूड्स आर कुकड और प्रोसेस्ड जब खाने को प्रोसेस या कुक किया जाता है तो नियासिन की कमी हो जाती है जैसे दूसरे बी विटामिनस की होती है लॉस्ट हो जाते हैं वो साथ में ही गायब हो जाते हैं या पानी जैसे कि बॉयल होता है तो उसमें गायब हो जाता है वाटर को थ्रो आउट करते है तो उसमें भी वो निकल जाता है वेन यू कुक राइस जब आप राइस या पास्ता को कुक करते हो तो आप उनका पानी जो है पहले उनको अच्छे से धोते हैं तो पानी निकाल देते हैं तो नियासिन जो है और जो दूसरे भी विटामिन वो निकल जाते हैं सो इट टू कीप द नियासिन यू नीड फ्रॉम दीज फूड आपको नियासिन उनमें बचाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ज़्यादा उनको रिन्स मत करो रिन्स ही मत करो यहाँ तो लिखा हुआ है कि आप राइस और पास्ता को रिन्स मत करो आफ्टर यू हैव कुकड आपने उनको कुक कर लिया है तो लाइक like आपने उनको बॉयल कर लिया है तो उसके पानी को बाहर नहीं निकालो वेन योर यू बाई ब्रेड जब आप ब्रेड्स को सीरियल्स को ख़रीदते हैं एंड अदर बेग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो आपको लेबल को हमेशा पढ़ लेना चाहिए कि उसमें कितना नया सिन है कि वो रिच है नया सिन में और बी विटाम्स में या नहीं अब हम बात करते हैं राइबो फ्लेवन की ये भी विटामिनस के ही ग्रुप को बिलोंग करता है और जिसको बी विटामिन बोलते हैं अनदर नेम राइबोफ्लेविन के लिए विटामिन बी टू है राइबोफ्लेविन वर्क करता है दूसरे भी विटामिनस के साथ हमारी बॉडी को मदद करने के लिए कि जो हमारी बॉडी है जब हम खाना खा रहे हैं और उससे जो हमें प्रोटीन मिल रहा है ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन को अच्छे से यूज़ करें नए सेल्स और टिश्यूज़ को बिल्ड करने के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क चीज़ योगर्ट, बीफ एंड पोल्ट्री ये बहुत अच्छे सोसेज होते हैं राइबोफ्लेविन के कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली टर्नब ग्रीन्स एंड स्पिनच ये भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं राइबोफ्लेविन के एंड रिच्ड ब्रेड्स राइस सीरियल्स एंड दूसरे बेक प्रोडक्ट्स ये भी अच्छे सोर्सेस होते हैं राइबोफ्लेविन के लाइक अदर बी विटामिन राइबोफ्लेविन फ्लेवन ईजिली ये भी लॉस्ट हो जाता है जब आप कुक या प्रोसेस करते हो वैन यू कुक राइस और पास्ता सम ऑफ द राइबोफ्लेविन निकल जाते हैं पानी के साथ में तो वैन यू रिंस राइस और पास्ता वो निकल जाते हैं एंड सो so टू कीप द राइबोफ्लेविन तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप रिंस मत करो वेन यू कुक वेजिटेबल्स मतलब जब आपने कुक कर लिया है उसके बाद उसका पानी मत निकालो पहले चाहे उसको एक बार ही कर लो लेकिन बार बार भी रिंस नहीं करना चाहिए वैन यू कुक वेजिटेबल्स जब आप वेजिटेबल्स को कुक करते हो यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आप यूज करो एंड उसके ऊपर लिड रख दो पैन के ऊपर सो दैट जो राइबोफ्लेविन और जो दूसरे भी विटामिन हैं वो लॉस ना हो जब आप शॉपिंग करते हो ब्रेड्स खरीदते हो सीरियल्स खरीदते हो या दूसरे बेक प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो उनका लेबल आपको पढ़ लेना चाहिए कि उनमें कितने भी विटामिन में वो रिच है लाइक राइबोफ्लेविन अब हम बात करते हैं सोडियम के बारे में तो ये एक इम्पॉर्टेंट सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सोडियम नमक नमक के बारे में तो आपने सुना ही होगा ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है एक लिमिट तक एक्सेस में ले लेते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम भी बन जाता है तो ये इंपॉर्टेंट होता है एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्रेशर के बीच में इनसाइड एंड आउटसाइड हमारे सेल्स के टू मच सोडियम कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा सोडियम आप ले लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत हाई हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से रिस्क होता है कि आपको हार्ट अटैक या कोई स्ट्रोक आ सकता है वी कैन गेट सम सोडियम नेचुरली भी हमें खाने से मिलता है जैसे कि मिल्क या फ्रेश वेजिटेबल्स से मोस्ट सोडियम जो हमारी डाइट में आता है वो जो है कम्स फ्रम सॉल्ट से आता है जो कि हम ऐड करते हैं हमारे खाने को प्रिपेयर करने के टाइम पर या प्रोसेसिंग के टाइम पर कुकिंग के टाइम पे वी मे ऑल्सो एड सॉल्ट एंड सॉल्टी सोसेज भी हम ऐड करते हैं हमारे खाने पर एंड वी वेन वी यूज़ लेस सोडियम एंड सॉल्ट जब हम बहुत कम सोडियम यूज़ करते हैं वर लाइकिंग फॉर सॉल्टी फूड्स डिक्रीजेज ओवर टाइम तो अगर आप रोज़ाना कुछ दिनों तक कम नमक वाला खाना खाते हैं तो आपकी लाइकिंग जो है वो वैसे ही डेवलप हो जाती है आपको फिर नमक ज़्यादा नमक या थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए नमक तो अच्छा नहीं लगता खाना नाउ वी हैव कि हम कैसे सोडियम का जो कट डाउन है अमाउंट वो कर सकते हैं रीड लेबल्स को आप पढ़िए कि जो आप खाना बाज़ार से खरीद रहे हैं उसमें सोडियम की मात्रा कितनी है और जिसमें कम मात्रा है सोडियम की वही खाना हमें लेना चाहिए ज़्यादा मात्रा वाला खाना नहीं लेना चाहिए जिसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा हो टेस्ट फूड्स बिफोर एडिंग सॉल्ट आपको टेस्ट कर लेना चाहिए पहले खाने को सॉल्ट ऐड करने से पहले एंड देन ऐड लेस सॉल्ट और कम ही सॉल्ट हमें ऐड करना चाहिए कुकिंग के टाइम पे एंड जब आप बाद में खाना खा रहे हो तब यूज स्पाइसिस फॉर फ्लेवरिंग इंस्टीड ऑफ सॉल्ट स्पाइसिस यूज कर लो सॉल्ट की बजाय अपने खाने में फ्लेवर डालने के लिए गार्लिक या अनियन पाउडर यूज कर लो फ्लेवर सॉल्ट के बदले जैसे कि गार्लिक सॉल्ट या अनियन सॉल्ट अब हम बात करते हैं थायमिन के बारे में सो so, ये भी ग्रुप विटामिनस के ग्रुप को ही बिलोंग करता है जिसको भी विटामिन बोलते हैं अनदर नेम जो है इसका ये है बी विटा सॉरी विटामिन बी वन so, सो थायमिन जो है वो वर्क करता है दूसरे विटामिन के साथ हमारी एनर्जी को हमारी बॉडी को मदद करने के लिए कि जो हमारी बॉडी खाना खा रही है उससे जो एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है वो बॉडी अच्छे से यूज़ कर पाए थाइमीन जो है वो बहुत सारे होल ग्रेन फूड्स में मिलता है जैसे कि ब्राउन राइस क्रिट्स एंड होल व्हीट ब्रेड वाइट ब्रेड्स पास्ता रेडी टू ईट सीरियल्स एंड मैनी अदर बेक प्रोडक्ट्स आर एंड होते हैं ये बाय द मैन्युफैक्चरर विद बी विटामिन लाइक थाइमीन बेक्ड बीन्स ब्लैक बीन्स ब्लैक आई बी पीज एंड पीनट्स बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं थाइमीन के नट, सीड्स एंड दूसरे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बी विटामिन जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं लीन पॉक जो है वो एक अदर बेस्ट सोर्स है थायमिन का जो ऑर्गन मीट्स होते हैं जैसे कि लीवर हर्ट किडनी ये भी बहुत अच्छे सोर्स एनिमल सोर्स माने जाते हैं थायमिन के लिए थाइमिन I ईजली mean ये भी लॉस्ट हो जाता है जब आप कुक या प्रोसेस करते हो वैन यू कुक वेजिटेबल्स सम ऑफ द बी विटामिन जो हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं और वो निकल जाते हैं जैसे आप पानी को छानते हैं एंड इफ़ कुक वेजिटेबल्स अगर आप बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पानी में अपने वेजिटेबल्स को कुक करते हो और अपने पैन के ऊपर लड लगा देते हो तो जो थाइमीन है और जो दूसरे बी विटामिन हैं उनके लॉस को रोका जा सकता है उनके लॉस को रोका जा सकता है वेन यू रिंस राइस या पास्ता को जब आप रिंस करते हो तो साथ में ही काफ़ी सारे विटामिनस भी चले जाते हैं सो so, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुक कर लेते हैं तब तो आपको रिंस नहीं करना चाहिए मतलब जब आप बॉयल कर लेते हो तो सो so, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा